अक्षय कुमार साहब की फिल्म राम सेतु फिल्म शुरू होने से पहले ही चर्चाओं के विषय से घिर गए। सबसे पहले तो राम सेतु ये किस तरीके का टाइटल है, फिर उसके बाद काफी लोगों ने अक्षय कुमार को कुछ अलग तरीके से भी क्रिटिसाइज किया। बेसिकली ये फिल्म चर्चाओं का विषय बनी हुई है, कभी कोरोना के चलते तो कभी किसी और के चलते। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े कलाकार इस फिल्म में नई एंट्री बनकर आए हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। राम सेतु की अगर बात करें दोस्तों, तो राम सेतु वो फिल्म है जो कि अक्षय कुमार के लिए वन ऑफ द चैलेंजिंग फिल्मों में से एक बन सकती है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में अगर बात की जाए तो इस फिल्म में दोस्तों आपको बता दूं तो अंडरवाटर सीक्वेंस बहुत सारे हैं, और इससे पहले अक्षय कुमार साहब ने सिर्फ ब्लू फिल्म के अंदर ऐसे अंडरवाटर सीक्वेंस जो है आजमाए हैं। राम सेतु चर्चाओं का विषय बन जाती है जब ये अयोध्या में इसका जो एक मुहूर्त है वो रखा जाता है। प्लस अगर आपको याद होगा तो कोरोना आउटब्रेक, अक्षय कुमार को कोरोना हो जाता है, फिर उसके बाद 45 क्रू मेंबर्स को हो गया था, फिर उसके बाद जैकलीन और नुसरत भी अपना चेकअप करा लेते हैं। अब दोस्तों साउथ के दो बड़े कलाकार इस फिल्म के अंदर आए हैं, और ये और कोई नहीं है, बकायदा नासिर साहब हैं और साथ ही साथ सत्यदेव जी हैं। जी हाँ, ये दोनों दिग्गज एक्टर जो है इस फिल्म का पार्ट बन चुके हैं। बता दूं आपको तो नासिर साहब ने तो अक्षय कुमार के साथ, अक्षय भाई के साथ जो है एक फिल्म करी थी राउडी राठौर, बाप रे बाप क्या भयंकर कैरेक्टर था उनका, और आरे प्रीतम प्यारे में कैसे डांस कर रहे थे वो। और जहां तक बात करें सत्यदेव जी, तो उनके उनके साथ ये पहली फिल्म है अक्षय कुमार जी के साथ, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, और मुझे इजाजत दें आप।